सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बनने वाले फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर जारी कर दिया है। जी हां, 10 अप्रैल को इसका तकनीकी बिड खोला जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होते हुए ये करीब 2070 मीटर लंबा बनेगा। इसकी लागत करीब 369.90 करोड़ होगी। इसका मकसद अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति दिलाना है। सूत्रों का कहना है कि निर्माण एजेंसी के चयन के बाद इसे बनाने के लिए 36 महीने की समय सीमा तय की गई है। दरअसल अशोक राजपथ में पीएमसीएच के अलावा बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में है। तो इस कारण अशोक राजपथ में जाम की समस्या जो है वो हमेशा लगी रहती है। आप कभी भी उस तरफ जाइए तो वहां पे जाम का सामना करना पड़ता है। इस सड़क में जगह की कमी के कारण चौड़ाई को बढ़ाना मुश्किल है। इस कारण सरकार ने अशोक राजपथ में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है ताकि जाम से जो आम जनता है उसको जाम से मुक्ति मिल सके और चाहे वो स्कूल कॉलेज जा रहे हों या फिर हॉस्पिटल्स जा रहे हों सही समय पर पहुंच सके। राज्य में NH-28 मुजफ्फरपुर बरौनी के बीच मुसरी घरारी ताजपुर और दलसिंह सराय में फ्लाईओवर का निर्माण वलेचा इंजीनियरिंग करेगी। निर्माण एजेंसी का चयन बुधवार को कर लिया गया और इसके लिए 11 एजेंसियों को टेंडर भरा था। तकनीकी बिड में 3 एजेंसियों को अयोग्य पाया गया है, यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ जांच परख करके एजेंसी का चयन किया गया है। वही बुधवार को फाइनेंशियल बिड खोलने पर 8 एजेंसियों में से वलेचा इंजीनियरिंग का चयन किया गया। उसने सबसे कम 103 करोड़ रुपए में तीनों फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव दिया था। प्रत्येक फ्लाईओवर की लंबाई करीब 700 मीटर है और इन्हें बनाने की समय सीमा करीब 9 महीने रखी गई है। तो चलिए, एक अच्छी खबर है कि अब कुछ देर में, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जाम से पटना के पब्लिक को, आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इस संबंध में राज्य में NH के क्षेत्र पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंदन वत्स ने बताया कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक इसका काम शुरू करने की संभावना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2019 में तीनों जगह सड़क हादसों में 38 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए केंद्र सरकार के विशेष प्रावधान के तहत सड़क के सुरक्षा मानकों के तहत लोगों की सुरक्षा और बेहतर यातायात के लिए तीनों फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।